2017 CSS English Analogies, लाइन का रॉर, स्नेक का स्लेटर, गॉड का ब्लेड और लिजर्ड का क्रॉल। तो देखो, शेर की जो घुर्राहट है उसको हम रॉर कहते हैं, ठीक है। स्नेक का स्लेटर तो उसका रींगना हो गया, लिजर्ड का भी रींगना हो गया, क्रॉल तो करेक्ट आंसर होगा गॉड का ब्लेड, आवाज वाली रिलेशन। शेडो रिएक्शन होता है लाइट का, तो हाउस तो ब्रिक्स का रिएक्शन नहीं होता, वो तो ब्रिक्स उसका पार्ट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिएक्शन का एक्शन। इसी तरह क्लोड ब्लड, भाई ब्लड की जमी हुई फॉर्म क्लोड कहलाती है, क्या वाटर किंग होती है, नहीं जी, मिल्क जम जाए तो क्या कहलाता है, कर्डल। तो ब्लड क्लोड का ब्लड मिल्क का कर्डल। फेयरफुल गोवर साइनोनिम, डरावा खौफ ज्यादा, क्या वाइस डिस्प्यूट साइनोनिम है, नहीं जी, क्या वीक एक्सरसाइज साइनोनिम है, नहीं, क्या एरोगेंट स्ट्रट साइनोनिम है, बिल्कुल जी, मगरूर स्ट्रट लोहे की रॉड को भी कहते हैं, और कोई शख्स मतलब लोहे की रॉड की तरह बड़ा सख्त अपने मौकफ में तो उसको एरोगेंट। ये अच्छा सवाल है, 7921 फिर यहाँ कुछ गैप है, फिर 7569 7396 फिर गैप है, फिर 7056 6889 6724 6565 आखिर वो क्या रहा है। वेल, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा नंबर में फ़र्क कितने का है, यहाँ पता चल रहा है कितने का फ़र्क है, जी हाँ, सब्ट्रैक्शन हो रही है, कितने की, 173 की। यहाँ देखो, यहाँ भी क्या सब्ट्रैक्शन हो रही है, जी हाँ, 167। क्या यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है, 165। क्या यहाँ हो रही है, 163। वेट अ मिनट, कुछ बात बन रही है जी, सब्ट्रैक्शन पहले 167 फिर 165 163, और यहाँ कुछ देखो 170, यानी और नंबर में सब्ट्रैक्शन दो दो कम हो रही है। अगर सुन लो मेरी खास बात, कि कुछ ऐसी सिचुएशन दरमियान में है तब तो सीरीज वैलिड है, तो अब ये कैसे पता चलेगा, मैं ये करूँगा 171 माइनस करूँगा, ये नंबर ही तो चाहिए, और फिर इस नंबर में से 169 माइनस करके देखूंगा, अगर 7056 आ रहा है तो इसका मतलब है मेरी लॉजिक इस में से पकड़ेंगे। ओके जी, जब मैं इसमें से 171 माइनस करता हूँ तो 7225 आ जाएगा, और जब 7225 में से 169 माइनस कर रहा हूँ 705, अरे यार ये तो फिट आ गया, ये तो फिट आ गया, देखो ना वहाँ से करो जहाँ से हो रहा है, यहाँ से समझ में आ रही थी बात, तो यहाँ 173 था, दो नंबर का गैप आ रहा था 171 169। अब ऐसे ही देखो, इसका मतलब यहाँ होना चाहिए 175 का गैप, और फिर होना चाहिए 177 का गैप, तो ज़रा माइनस करके देखो 7744, और 7744 में से जब 175 माइनस करोगे तो 75, बिल्कुल जनाब, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट होते थे और ओडन लो। जनरल विशिंग टू अरेंज इस मैन हु वर 7930 ए नंबर इन टू अ सॉलिड स्क्वायर, फाउंड दैट देयर वर 9 मैन ओवर, 9 लोग थे, हाउ मैनी मैन वर देयर इन द फ्रंट नाउ, स्क्वायर की तरतीब में फौज को खड़ा करना चाह रहे, 9 लोग ज़्यादा बन रहे थे स्क्वायर से, पहले तो देखो 9 माइनस करना पड़ेगा 7921। अब इसका मतलब है देखो, 10 लोग यूँ तो 10 लोग यूँ, 70 लोग यूँ तो यूँ, 80 यूँ तो 80 यूँ, 79 यूँ तो 79। अब यहाँ देखो कि ऑप्शन है 86, 67, 87, 89। एक तरीका तो है कि इन सबका स्क्वायर लेके देखो कि भाई किससे 7921 आता है। अकलमंदी क्या होती है, यूनिट डिजिट यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, 6 का स्क्वायर तो 36 यूनिट डिजिट, नहीं ये नहीं हो सकता, 7 के स्क्वायर 49, ये भी नहीं हो सकता, 89, 9 का स्क्वायर 81 होता है, जी हाँ 89 इसका आंसर होगा, हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। कैसे बता दिया मैंने, क्योंकि भाई यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, और यूनिट डिजिट 89 से यूनिट डिजिट 1 आ सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7921। सपोज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 324 स्क्वायर, इफ द लेंथ इज 4 टाइम्स इज विथ, देन वॉट विल बी इट्स लेंथ, लेंथ अगर 4 टाइम्स ज़्यादा है विड्थ से, ठीक है जी, तो एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ 324, विड्थ की जगह विड्थ, लेंथ की जगह 4w, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 324 से, ठीक है,
तो डब्ल्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 81। अगर डब्ल्यू स्क्वायर 81 है तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा भाई 9। और लेंथ पूछी है तो 9 × 4 = 36 भाई 4 टाइम्स आता है ना। यहाँ देखो, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज इंक्रीज बाय 20% एंड विड्थ इज डिक्रीज बाय 20%, व्हाट पर्सन विल ओकर इन द एरिया ऑफ द गार्डन। तो अगर 20 इंक्रीज है 20 डिक्रीज है, जब इंक्रीज डिक्रीज सेम हो एक तरकीब याद रखो, इस वैल्यू को ना 10 से डिवाइड करके स्क्वायर ले लो। 20 को 10 से डिवाइड किया 2, 2 का स्क्वायर 4, और हमेशा ऐसी सूरत में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4% डिक्रीज। जीशान लेफ्ट इज होम एट 6:30 PM 6:30 PM शाम में एंड रीच टू द सिटी एट 11:45 PM यानी 5 घंटे 15 मिनट बाद। इफ ही अरेंज 30 km/h ये इसकी स्पीड हो गई एंड स्टॉप 45 मिनट फॉर डिनर। हाउ फार इज द सिटी फ्रॉम हिज होम, 5:15 में से 45 माइनस करो तो 4:30 यानी 4 घंटे 30 मिनट। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 4 घंटे में कितने हो जाएंगे 160, 240 और 30, 270 या ये भी कह लो 4.5 आवर बने 4 घंटे 30 मिनट। और स्पीड 30, अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, डिस्टेंस यही तो होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, आंसर आ जाएगा 135 किलोमीटर। ये 45 माइनस क्यों किया, क्योंकि देखो 45 मिनट तो स्टे में है ना, ट्रैवलिंग में नहीं है। 4.5 घंटे की ट्रैवलिंग 30 की स्पीड से, तो कितना डिस्टेंस तय किया होगा 135 किलोमीटर। 115, 180, 1620, 9720 आगे क्या आएगा देखो। इसके लिए भाई मेरी आप लोग सारी वीडियोस देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ 15 से मल्टीप्लाई, फिर यह 12 से, यहाँ 9 से, यहाँ 6 से, और से देखो 15, 12, 9, 6 3 का टेबल मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन कम, 3 3 कम, अब मल्टीप्लाई होगा 3 से, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 29160। मेरे चैनल अमीन एजुकेशन पे बहुत सारी तरकीबें हैं कैलकुलेशन की, ट्रिक्स की भी, वो भी देखें। इफ़ नाइट स्टैंड फॉर 3, 4, 5, 2, 7 देन एच आई एंड 2। अब देखो एच यहाँ चौथे नंबर पे आ रहा है और यहाँ चौथे पे 2 है, तो एच की जगह 2, फिर आई की जगह क्या मौजूद है 4, एन की जगह, एन सबसे पहले आ रहा था, सबसे पहले क्या था 3, और टी कहाँ था भाई सबसे आखिर में, सबसे आखिर में क्या था 7। अब वो बोलोगे जी जी की जरूरत ही नहीं है भाई, जो पूछा है ना हिंड, बस हिंड ऐसे लिखेंगे। फिर एक्स है, फिर एक्स रूट है, फिर एक्स रूट 3x, यानी पावर जो है ना देखो अपॉन में चल रही है, एक्स का मतलब होता है पावर हाफ, फिर ये रूट 3 है तो पावर 1/3, 1/4, तो ये ऐसे हो जाएगा बस, ये इसका आंसर है।